कपिल शर्मा का शो फैमिली टाइम विद कपिल 25 मार्च रात 8 बजे से सोनी टीवी पर प्रसारित होगा। कपिल ने शनिवार को अजय देवगन के साथ शो के पहले एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कपिल के इस शो से सुनील ग्रोवर भी वापसी करेंगे, लेकिन शुक्रवार को सुनील ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो इस शो से जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें किसी ने कॉल नहीं किया। सुनील का यह ट्वीट वायरल हुआ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल शर्मा ने लिखा कि अफवाहें ना फैलाएं। शनिवार को फैमिली टाइम विद कपिल के पहले एपिसोड की शूटिंग खत्म होने के बाद 3:45 बजे सुबह करीब कपिल ने इसका जवाब दिया। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, पाजी मैंने आपको 100 से ज्यादा बार कॉल किया था, 2 बार घर में मिलने गया, लेकिन कभी किसी काम या किसी वजह से आप नहीं मिल पाए। कृपया इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं कि मैं आपको कॉल नहीं किया। इससे पहले सुनील ग्रोवर ने एक फैन द्वारा कपिल शर्मा के शो में आने पर सवाल पर कहा था, भाई आप जैसे कुछ लोग और भी मुझसे यही सवाल पूछते हैं, लेकिन मुझे इस शो के लिए कोई कॉल नहीं आया, मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं बदला, इंतज़ार कर करके मैंने कुछ और साइन कर लिया है। आप लोगों की दुआ से एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, जल्दी आपके सामने आता हूँ। मालूम हो कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा पिछले साल इंडस्ट्री का सबसे चर्चित टॉपिक बना था। ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त दोनों का झगड़ा फ्लाइट में हुआ, फिर सुनील ने कपिल का शो छोड़ दिया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच तनातनी की खबरें आने लगी थी। तेज न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।